हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूं टॉप करेंट अफेयर्स 2019। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो ऐसे सारे प्रश्न को देखने के लिए, अपने सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें, और साथ ही प्लेलिस्ट में बहुत सारे हमारे ये करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न मेरा, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2019 में भारत का स्थान है। ऑप्शन है 53, दूसरा 56, तीसरा 58 और चौथा 59। तो इसका आंसर होगा 59। हम इस प्रश्न का हर एक फैक्ट आपको बताते चलते हैं। तो देखिए, IMD यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इस सूची में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर बरकरार है। 63 देशों की इस सूची में भारत 53वें स्थान से 6 पायदान फिसल कर 2019 में 59वें पायदान पर पहुंच गया। इस प्रकार 63 देशों की सूची में भारत इस नंबर पर है, यानी 59वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला कौन बनी? इसका जो ऑप्शन है वह है, पहला सृष्टि देशमुख, दूसरा प्रांजल पाटिल, तीसरा अनु कुमारी और चौथा सौम्या शर्मा। देखिए, भारत की पहली नेत्रहीन IAS महिला बनी प्रांजल पाटिल। उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में UPSC की सिविल सेवा परीक्षा में 773वां रैंक हासिल किया। ये 6 वर्ष की ही थी जब उनकी दृष्टि पूरी तरीके से खत्म हो गई, फिर भी यह अपना हिम्मत नहीं हारी और पहले ही प्रयास में देश की पहली नेत्रहीन महिला IPS बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 का आयोजन शिलोंग में किया? इसका ऑप्शन है चीन, दूसरा मलेशिया, तीसरा दक्षिण कोरिया और चौथा जापान। इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। इसके बारे में आपको बता के चलते हैं कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग में इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2019 मनाया गया। यह चौथा संस्करण था जो भारत और दक्षिण कोरिया द्वारा संयुक्त रूप से मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता? इसका आंसर होगा फ्रांस, दूसरा USA, तीसरा दक्षिण अफ्रीका और चौथा इंग्लैंड। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दक्षिण अफ्रीका। रग्बी विश्व कप 2019 का खिताब दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। दक्षिण अफ्रीकी टीम फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 32-12 के बड़े अंतर से मात देकर खिताब पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही 3 बार विश्व कप जीतने वाली टीम न्यूजीलैंड की भी इसने बराबरी कर ली। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक विंग गांधी के लेखक कौन हैं? पुस्तक विंग गांधी के लेखक कौन है? इसका जो ऑप्शन है वह है विक्रम संपत, पारो आनंद, त्रिदीप सुहुर्द, RB अकलेकर। इसका जो सही आंसर होगा पारो आनंद। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए पुस्तक विंग गांधी प्रकाशित की गई। इस पुस्तक के लेखक पारो आनंद है। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, दुनिया का पहला CNG टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया गया? ऑप्शन है इसका, पहला सूरत, दूसरा भावनगर, तीसरा अहमदाबाद
और चौथा भुवनेश्वर। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा भावनगर। विश्व का प्रथम सीएनजी पोर्ट टर्मिनल भावनगर में स्थापित होगा। यह 19,000 करोड़ की प्रस्तावित योजना है जिसे गुजरात सरकार ने मंजूरी दे दी। इस टर्मिनल का विकास फोरसाइट समूह जिसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है तथा मुंबई स्थित पद्मनाभ मफतलाल ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। इस पोर्ट टर्मिनल की क्षमता 1 से 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया। इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा कॉन्गो, तीसरा यूक्रेन और चौथा पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने टाइफाइड से निपटने के लिए नया टीका लॉन्च किया है तथा इस टीके की मंजूरी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी दे दी है। इस टीके का नाम है टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन यानी TCV। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा। इसका ऑप्शन है 2020, 2021, 2022 या 2023। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा 2022। G20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। यहाँ बता दें कि 2019 का G20 समिट ओसाका जापान में हुआ था जबकि 2020 का G20 समिट रियाद सऊदी अरब में प्रस्तावित है। वही 2022 का G20 शिखर सम्मेलन हमारा देश यानी भारत में किया जाएगा। तो इस प्रकार से G20 एक 20 देशों की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाला समूह है जिसका आयोजन भारत में भी 2022 में किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और मेरा अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसका ऑप्शन है शाहरुख खान, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इसका सही आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड वेल्स में हो रहे कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया। सिनेमा जगत में सराहनीय योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। तो इस प्रकार से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को यह सम्मान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एक्सीडेंटल मैजिक के लेखक कौन हैं। इसका ऑप्शन है केशव गुहा, रामचंद्र गुहा, मणिमाला रॉय या त्रिदीप सुहुर्द। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा केशव गुहा। केशव गुहा ने अपना पुस्तक लिखा है एक्सीडेंटल मैजिक जिसका बेंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल में लॉन्चिंग हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, इंटरपोल के वर्तमान अध्यक्ष किम जोंग यंग किस देश के नागरिक हैं। तो इसका ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, USA, चीन या जापान। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा दक्षिण कोरिया। यानी दक्षिण कोरिया के किम जोंग यंग वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। इंटरपोल के नए अध्यक्ष किम जोंग यंग दक्षिण कोरियाई नागरिक हैं। साथ ही किम का मुकाबला रूसी अधिकारी एलेक्जेंडर प्रोकोपचुक से था। किम पूर्व अध्यक्ष होंग वेई जो कि चीनी नागरिक थे उनकी जगह लेंगे। यह चीन में ही लापता हो गए थे तो इसलिए इनका पद खाली रह गया जो कि 2020 तक था, लेकिन इनके अनुपस्थिति में
अब दक्षिण कोरियाई नागरिक किम जोंग यंग अपना पदभार संभालेंगे। मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें, साथ ही लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।